जी। हमारी एक्टिंग अब शुरू होती है। अरे यार, मैंने तो सोचा मालिक का लड़का मॉडर्न होगा, ये तो चंपू निकला। शहर में नारियल का तेल सस्ता होगा इसलिए ज्यादा लगा लिया। ये क्या पिताजी? कहाँ बाप कहाँ बेटा। बालों से तो अम्मा लेकिन बॉडी से छम्मा छम्मा लगती है। ठरकी कहीं के। पाए लागू पिताजी। वाह वाह, उठ बेटा उठ। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है तू। मैं वैसा नहीं हूँ बाबू। मम्मी। राजा बेटा। प्यारी मम्मी। तू आज भी वैसा ही मासूम है जैसा पैदा होते वक्त था। तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला बेटा। मैं कभी बदलूंगा भी नहीं मम्मी। मम्मी संस्कारी है। चाचा जी। पाए लगू चाचा जी। पाए। उठ बेटा बेटा। भैया आज इसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी ये मेरी संगीत की टीचर। आप गुरु हैं, गुरु किसी के पैर नहीं छूते। पिताजी मैं समझाता हूँ। ए बुढ़िया टीचर, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। खड़े क्या हो? हाथ दो। यस टीचर। कमर दर्द। बूढ़ी है ना इसलिए कमर दर्द हो रहा है। पिताजी ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा, तू अपनी माँ के पास बैठ। जी पिताजी। हाँ गुरुजी, बचपन में जब हमारा बेटा कविताओं का पाठ करता था तभी मुझे पता चल गया था कि एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। हम चाहते थे कोई इसके गाने पर नाच के ताल मिलाए, इसलिए हमने एक बड़ा डांस टीचर ढूंढ निकाला। बड़ा ही कमाल का नृत्य करता है वो। राजू बुलाओ से। जी मालिक। मास्टर जी अंदर आइए। नमस्ते, मेरा नाम कमला हसन शिवशंकर। अगर आप गाते रहे और मेरे कदम रुक गए तो आप जीते। अगर मेरे कदम नाचते रहे और आपका गाना रुक गया तो मैं जीता। तो बताओ मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मेरा बेटा। ये लड़का। उत्तर दिशा कहाँ है? इस तरफ। अरे वाह, नाक है कि तोते की चोंच। ऐसे खिलौने बहुत देखे, दूर हट। स्वामी सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि कुछ पैसे कमा लूं। खाने के लाले पड़ रहे हैं स्वामी। अब मैं नाचने वाला हूँ, देखता क्या है बजाना हीरो। वाह क्या बजाया है, मैं तैयार हूँ। बेटा जाकर उन्हें बताओ तुम क्या गाने वाले हो ताकि वो नृत्य की तैयारी कर सके। तू कौन से डांस जानता है? मुझे तो हर तरह का डांस आता है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओमपुरी, शिवपुरी, पानीपुरी। पानीपुरी लेटेस्ट डांस, इंपोर्टेड फ्रॉम मुंबई। ये सब सीखे हैं या नाम पढ़ के आया? खामोश, ऐसा फिर मत करना, मेरी हट गई तो सबकी फट जाएगी। बताओ तुम क्या गा सकते हो? ये क्या बातें कर रहे हैं? जब दो बड़े कलाकार पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हैं। ये पूछो क्या नहीं आता। शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, बंगाली संगीत, मलयाली संगीत, मेरे पास सारी सीडीज हैं। ओहो क्या सीडी? हाँ मेरा मतलब मेरे गानों की सीडीज। तुम्हारा गुरु कौन है? आजा नचले की माधुरी दीक्षित, नाच पिक्चर की अंतरा माली और हाँ सरोज खान, ये सारे मेरे गुरु हैं। रेडी हो? ओहो ये तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसको डरा कर भगाना पड़ेगा। नाचते हुए किसी को गोली खा के मरते हुए देखा है? मुझे लगता है ये मुझे डराना चाहता है। गाते हुए किसी को हार्ट अटैक से मरते देखा है? रेडी।
इससे हार गया तो बची कुची इज्जत का कचरा हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे इन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे तो मैं पक्का हारने वाला हूँ। अपनी इज्जत का भाजीपाला करने से तो अच्छा है कि मैं डैड को सब सच ही बता दूं। पिताजी, पिताजी, लगता है इसे डांस वांस आता नहीं है, कहीं ये फेंक तो नहीं रहा। सोचता हूँ कि इसे साइड में बुला के सेटिंग कर लूं। ये क्या कुसुर पुसुर हो रही है? कुछ नहीं पिताजी, अब बस एक आखिरी बार डिस्कशन करना चाहते हैं। हाँ। भाई इधर आओ ना। मास्टर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है हीरो राजा। आप बड़े हैं, प्लीज आप बताइए ना पहले। मुझे डांस करना नहीं आता। तुम्हें डांस करना नहीं आता? पकड़ा गया। पर सब लोग तो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे डांसर हो। वो क्या है, पहले पहले चिल्लर पैसे कमाने के लिए मैं शादी की बारातों में नाचता था। ऐसी एक बारात में एक टल्ली को लगा कि मुझे बहुत अच्छा डांस आता है, तो उसने अपने डांस एकेडमी का एक सर्टिफिकेट दे दिया और सरोज खान ने ये माला पहनने के लिए दे दी। मुझे तो डांस नहीं आता, लेकिन तुम्हें भी गाना नहीं आता है ना? गलत। क्यों? अब क्योंकि तुम्हें डांस नहीं आता तो मुझे तो बहुत अच्छा गाना आता है। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ गोली मारेंगे और यहाँ से निकल। नमस्ते सेठ जी, किसी तरह मेरी जान बचा लो, मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। ठीक है, मैं गाऊंगा और तुम ऐसा दिखाना कि तुम मेरे गाने के आगे टिक नहीं पा रहे। ओके, डन, शुरू करें, आ जा। करो ना। We are ready. हम तैयार हैं। हाँ, तो शुरू करो। सब क्या जोकर गिरी है? अरे वाह गुरु, तुम क्या कमाल का गाते हो। तारीफ मेरी नहीं, उन सीडीज की करो जिन पे सारे गाने बज रहे थे। सीडी यानी तुम सिर्फ होठ हिला रहे थे और बॉयज ये बात बोलता है, इसे उठा के बाहर फेंक दो। सीडी को पता चला तो? पता तो तब चलेगा ना जब तुम यहाँ रहोगे। वाह 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 बेटा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया। नमस्ते भाई, बैठो। भाई पिछली बार आपकी वजह से मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिल गई थी, इस बार भी आप साथ दे तो मुझे टिकट मिल जाएगी। भाई उमा आई साहब, तुम्हारी बस्ती में पानी आता है कि नहीं? हफ्ते में एक ही बार आता है साहब। वेंकट जी मलिक, तुम्हारे इलाके की सड़कें कैसी हैं? सड़कें कम गड्ढे ज्यादा है। सुन लिया ना सिराज, लोग तुम्हें वोट देते हैं ताकि तुम उनकी जिंदगी बेहतर बनाओ, अपनी नहीं। अगर तुम अपना काम ठीक से करते तो लोग तुम्हें खुद वोट देते। तुम्हें यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम सेवा किए बिना मेवा खाने की सोच रहे हो। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो सिराज, बात समझ में आ गई? अब जाओ। भाई भाई मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। भाई भाई सिर्फ 5 मिनट के लिए, मना मत करना प्लीज, मना मत करना, उससे एक पल भी ज्यादा नहीं लूंगा भाई, प्लीज। भाई भाई सिर्फ आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, मेरे प्राण आपके चरणों में। अगर मेरी पावर चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं सारी आपको दे दूंगा। भाई भाई आपने साथ दिया तो
मेरी जीत पक्की भाई। और मत मारना, और मत मारना भाई, भाई प्लीज प्लीज। मैं कब का तेरा खून कर चुका होता, लेकिन मेरे जैसा रिबल कभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकता। किसी से कहना मत कि मैंने तुझे मारा, लोग तुझे बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे और तेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आजा, मुस्कुरा भाई, वरना बाहर बेकार में लोग शक करेंगे। ओवर एक्टिंग नहीं। अब मैं नहीं जीतूंगा, जब तक वो जिंदा है मैं नहीं जीतने वाला। ए जनार्दन, कुछ भी करो और उसे मार डालो। भाई ये क्या हुआ आपको? हा? उस बुड्ढे ने मुझे अपने कमरे में ले जाके किस किया, किस कहा? चीर डालो उस जनार्दन को, उसका नामो निशान मिटा दो। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू जैसा सांड एक बुड्ढे को नहीं मार सकता, लानत है तेरे पे। भाई मैं तो क्या अपना, कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकता। तो जा यूपी बिहार से लोगों को यहाँ बुला ले। कल काली माता के मंदिर में जनार्दन ने सबको खाने पे बुलाया है। अपने आदमियों से कहना कि सब औरतों के भेष में आए और साले का काम तमाम कर दे, कल वो बचना नहीं चाहिए, उसे मरना होगा। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते भैया। ये देवी कितनी डेंजर लग रही है ना। काली माता ऐसे ही दिखती है। हाँ पुजारी जी, पूजा शुरू कीजिए। जी मालिक, इसी को यहां से घर ले जाओ। तुम जाके पिताजी की मदद करो ना। उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो यहां से। क्या कर रहा है तू? जानता हूँ आप पीछे हटिए डैड। खून, खून निकल रहा है तेरा। जानता हूँ आप पीछे हटिए डैड। ऋषि तू मुझे पीछे हटने को कह रहा है? आप पीछे हटिए डैड। जगह से नहीं हिलेगा। माँ बाप भाई बहन बच्चे बूढ़े गांव के जितने लोग हमारे साथ हैं, मेरे पीछे आके खड़े हो जाएं। और वो लोग जो आज यहाँ मेरे पिताजी को मारने के इरादे से आए हैं, सिर्फ वो मेरे सामने आ जाए। Oh!
जानता था मालिक, आप पाप मिटाने के लिए जन्मे हैं, काट डालिए। हे, इस साले को छोड़ना बस। नीचे रखो, हिम्मत है तो पैर नीचे रखो। किसने भेजा तुझे? सिराज भाई ने। सिराज, मेरे पिताजी को मारेगा। जानता है मैं तुझे क्यों नहीं मार रहा हूं? क्योंकि तुझे मार दिया तो मेरे पिताजी को बहुत ठेस पहुंचेगी। चल जा।